हेलो फ्रेंड्स, जो आज हम केस करने जा रहे हैं, इस लेडी का 45 एज है और इसको काफ़ी सारा हैवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है। बहुत भारी पीरियड्स आते हैं, क्लॉट्स भी आते हैं बड़े बड़े, इसके साथ ही जो कमर में भी काफ़ी दर्द रहता है और साथ ही साथ इसको डिस्चार्ज भी बना रहता है, यानी कि वाइट डिस्चार्ज और म्यूकॉइड डिस्चार्ज रहता है। इसकी वजह से काफ़ी परेशान हो रही है। बीमारी इसको एक दो साल से चल रही है। जब इसने हमें दिखाया, हमें अप्रोच किया, तो हमने इनका एक सोनोग्राफी कराया तो हमें पता चला कि इनके बच्चेदानी के अंदर एक गांठ है और एक छोटा सा मांस का टुकड़ा बढ़ गया है, जैसे कि पॉलिप कहा जाता है, तो इसको फाइब्रॉइड पॉलिप कहते हैं। फाइब्रॉइड पॉलिप की वजह से इनका महीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा था और डिस्चार्ज भी काफ़ी बना हुआ था और बच्चेदानी में गांठ होने की वजह से इसको कमर में दर्द और हैवी ब्लीडिंग की समस्या थी। तो फाइनली हमने इनको गांठ निकालने वाला ऑपरेशन भी समझाया और मांस को निकालने वाला यानी पॉलिप रिमूवल भी समझाया था, लेकिन इनकी फैमिली पूरी हो चुकी है और ये नहीं चाहती कि इनको बार बार इस बच्चेदानी से रिलेटेड कोई समस्या हो। तो देन शी ऑप्टेड आउट फॉर द हिस्टेक्टमी, यानी कि उन्होंने बच्चेदानी निकालना, यूट्रस रिमूवल ऑपरेशन चुना। और अब आज हम इनका TLH यानी कि टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी वाला ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जो कि दूरबीन से होता है और वही पेट में तीन छेद बना के ऑपरेशन होगा, जिसमें बच्चेदानी और उसकी बीमारियाँ साथ के साथ पूरा का पूरा फ्री करके वजाइना के थ्रू डिलीवर आउट कर देते हैं और पेशेंट की हम कल छुट्टी भी कर देंगे।